एपिसोड की शुरुआत में जियाउलू एक भूत को लेकर तैन तियांग के पास जाता है और उसे बताता है कि यूनियर और उसकी माँ ने तियांग जियांग क्लब के ओनर जैंग से उन्हें बचाने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहा है और ये भूत गिफ्ट के तौर पर देकर गई है। फिर जियाउलू पूछता है कि मैं इसका क्या करूँ। इस पर तैन तियांग कहता है कि इसे काट कर मसाले डालकर रोस्ट करके ले आओ। इस पर जियाउलू उस भूत को लेकर उसे रोस्ट करने के लिए चला जाता है। फिर तैन तियांग खुद किचन में जाकर कुछ डिशेस प्रिपेयर करता है। उसके इस तरह किचन में जाकर खाना बनाने पर सभी उसे हैरानी से देख रहे होते हैं। खाना तैयार हो जाने पर सभी मजे ले लेकर खा रहे होते हैं। तभी वहां लिंगिन आती है। वो इस तरह सबको खाता देखकर गुस्से में तैन तियांग से कहती है कि सभी यहाँ मजे लेकर खा रहे हैं और आपने मुझे काम पर क्यों लगाया हुआ है। इस पर तैन तियांग कहता है कि तुम मेरी एडवाइजर हो, इसलिए जब तक काम खत्म नहीं हो जाता तब तक काम करना तुम्हारी ड्यूटी है। इस पर लिंगिन को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ जियाउलू उस भूत को लेकर आता है और तैन तियांग को बताता है कि जैसे ही मैं इसको काटने के लिए चाकू उठाता हूँ वैसे ही ये उड़कर भाग जाता है। मैं इसे पकड़ पकड़ कर थक गया हूँ। इस पर लिंगिन उस भूत को देखती है और उसे अपने पास लेते हुए तैन तियांग से कहती है कि ये कितना क्यूट है, क्या मैं इसे अपने पास रख सकती हूँ। इस पर तैन तियांग कहता है कि यहाँ तुम दोनों में से कोई एक ही रह सकता है, अब तुम फैसला कर लो कि यहाँ किसे रहना है। मैं यहाँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रखना चाहता हूँ। इस पर लिंगिन कहती है कि मैं इसे सब सिखा दूंगी, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। इस पर तैन तियांग कहता है कि ठीक है, 3 दिनों तक इसका ट्रायल रहेगा, अगर इसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई तो इसके साथ तुम्हें भी यहाँ से जाना पड़ेगा। इस पर लिंगिन एग्री हो जाती है और वो खुशी खुशी किचन में जाती है। वहाँ वो अपने भूत को एक जगह बिठाती है और खाने के लिए कुछ बनाने लगती है। तभी वो भूत उड़ता है और एक सूप बाउल को गिरा देता है जिससे वह बाउल टूट जाता है। तभी वहाँ तैन तियांग, मस्कमिलन और पायलस आते हैं। वो टूटे हुए बाउल को देखते हैं। मस्कमिलन लिंगिन को बाउल तोड़ने के लिए खूब खरी खोटी सुनाती है। तैन तियांग बाउल के टूटने पर दुखी होता है क्योंकि ये बाउल उसे उसकी माँ ने दिया था। लिंगिन कहती है कि मैं इसका कंपनसेशन दे दूंगी। इस पर तैन तियांग कहता है कि रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। फिर वह पायरा से टूटे हुए टुकड़ों को फर्श पर से साफ करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लिंगिन तैन तियांग के फैन की तरह ढेर सारे फैन बुक्स के साथ बेचने के लिए बना रही होती है और उन पर तैन तियांग की हैंड राइटिंग कॉपी करके उसका सिग्नेचर भी कर रही होती है। तभी वहाँ किंग चेन आता है, वह उसे अपने बनाए फैन दिखाती है। तो किंग चेन कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट को ये पता चला कि आपने फेक फैन बनाकर बुक्स के साथ बेचे हैं तो वो बहुत नाराज होंगे। इस पर लिंगिन कहती है कि मैंने तैन तियांग युआन की हैंड राइटिंग कॉपी की है, मजिस्ट्रेट तैन फिलोंग की नहीं, फिर वह क्यों नाराज होंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंगिन मार्केट जाती है और तैन तियांग के बाउल के जैसा बाउल ढूंढती है पर उसे किसी भी दुकान पर वैसा बाउल नहीं मिलता। वह बहुत उदास हो जाती है। वह खुद ही बाउल बनाने का डिसीजन लेती है। वह मिट्टी लेने माउंट टियानमू की तरफ जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में जाओ रुई अपने असली वेश में मिलती है क्योंकि सीजाओ के मजिस्ट्रेट सैंग यिंगलिन ने उसे मजिस्ट्रेट तैन तियांग और एडवाइजर लिंगिन के बीच के रिलेशन के बारे में पता करने के लिए भेजा होता है। जाओ रुई लिंगिन को बुलाकर उसके उदास होने की वजह पूछती है। इस पर लिंगिन उसे सारी बातें बता देती है और उसे साथ लेकर माउंट टियानमू पर जाती है। रास्ते में लिंगिन उसे कहती है कि मुझे पता है हमारे ऑफिसर साउफेंग उस दिन क्लब में तुमसे ही मिलने गए थे। वह भले ही थोड़ा लापरवाह है पर वह तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। इस पर जाओ रुई से कोई जवाब नहीं देती। फिर दोनों मिट्टी खोदने लगती हैं। तभी लिंगिन को वहाँ एक रेड स्टोन मिलता है। वह बहुत खुश हो जाती है। इधर तैन तियांग साउफेंग को की हुई की पोटली में रखा गोल्ड दिखाकर पूछता है कि क्या तुम्हें सोने में कोई गड़बड़ी नजर आ रही है। इस पर साउफेंग कहता है कि हाँ, ये बहुत छोटा है। इस पर तैन तियांग उसे बताता है कि इस गोल्ड को माइन से निकालने के बाद सही तरह से रिफाइंड नहीं किया गया है, ये काम छोटे स्तर के गरीब मजदूरों का है। साउफेंग कहता है कि इसका मतलब है कि एडवाइजर लिंगिन जो कह रही थी वो सच है, वो इस केस पर काफी मेहनत कर रही हैं। इस पर तैन तियांग साउफेंग से लिंगिन के बुक स्टोर के बारे में पूछता है। साउफेंग बताता है कि वो तो बहुत अच्छा चल रहा है। की हुई का केस क्लोज होते ही उनके डिटेक्टिव सीरीज वाली नॉवेल का नेक्स्ट पार्ट आ गया और इसमें एडवाइजर ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। फिर साउफेंग कहता है कि आज बुक स्टोर पर एक कंपटीशन होने वाला है, चलो हम भी उसे देखने चलते हैं। इतना कहकर साउफेंग तैन तियांग को बुक स्टोर पर लेकर जाता है। वहाँ नॉवेल्स के डायलॉग का कंपटीशन चल रहा होता है और वहाँ मौजूद सभी कंपटीटर्स के हाथ में बिल्कुल तैन तियांग के फैन के जैसा ही फैन मौजूद होता है जिसे लिंगी ने सबको बुक के साथ बेचा होता है।
ये देखकर टैन तियान को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में टैन तियान कॉन्टी ऑफिस पहुंचता है तो वहां जाओ रुई उससे की हुई की केस को रीओपन करने के लिए कहती है। इस पर टैन तियान कहता है कि सुन बोफान ने अपना जुर्म सबके सामने कबूल किया है तो केस को रीओपन करने का क्या मतलब है। इस पर जाओ रुई कहती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप सुन बोफान को मौत की सजा ना देकर उम्र कैद की सजा दे दें। इस पर टैन तियान कहता है कि तुम्हें सुन बोफान की सिफारिश करने के लिए कितने पैसे दिए गए हैं। इस पर जाओ रुई डरने की एक्टिंग करती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पिताजी बीमार थे और मेरी माँ बहुत बुरी हो चुकी हैं, इसलिए अपनी मजबूरियों की वजह से मुझे उनसे पैसे लेने पड़े। इस पर टैन तियान उसे पैसे वापस करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। इधर किंग चेन एक बुक के इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर लिंगिन के लिए पटाखे बना रहा होता है क्योंकि लिंगिन को फायरवर्क बहुत पसंद होता है। इधर लिंगिन अपना बनाया हुआ बाउल लेकर टैन तियान के पास जाती है तो टैन तियान उसे उसके फैन को कॉपी करके लोगों को बेचने के लिए लिंगिन पर बहुत गुस्सा करता है तो लिंगिन कहती है कि अच्छी चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर करके सभी लोगों में खुशियां बांटना कोई बुरी बात नहीं है। इस पर टैन तियान कहता है कि ये सब तुमने खुशियां बांटने के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए किया है। इस पर लिंगिन को बहुत गुस्सा आता है और वह अपना बनाया बाउल टैन तियान को देने के बजाय वापस लेकर जाने लगती है। तभी टैन तियान उसे रोकता है। इस पर लिंगिन के हाथ से वो बाउल छूटकर गिर जाता है और टूट जाता है। ये देखकर लिंगिन और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। तभी वहां साउफेंग आता है और टैन तियान से पूछता है कि एडवाइजर यहां से इतने गुस्से में क्यों गई हैं। इस पर टैन तियान कहता है कि वो बस इस बाउल के टूट जाने से इतना गुस्सा होकर यहां से गई है। इस पर साउफेंग उसे बताता है कि एडवाइजर ने पूरा दिन इस बाउल को अपने हाथों से बनाया था और तुमने इसे तोड़ दिया तो वो नाराज नहीं होंगी क्या। इतना कहकर साउफेंग भी वहां से चला जाता है और टैन तियान को उस बाउल के टुकड़ों से वो रेड स्टोन मिलता है जो लिंगिन को मिट्टी लाते वक्त मिला था और लिंगिन ने उसे बाउल के टॉप पर लगाया था। फिर टैन तियान तुरंत लिंगिन के घर जाता है। लिंगिन अपने कमरे में होती है। टैन तियान उसे लेकर एक बर्तन बनाने वाली जगह पर आता है और उसे फिर से बाउल बनाने के लिए कहता है। लिंगिन बाउल बनाने लगती है तभी टैन तियान उसके पास आता है और उसे सॉरी बोलता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये बाउल तुमने अपने हाथों से बनाया है। फिर वह उस रेड स्टोन को लाकर उस बाउल के लिड के टॉप पर लगा देता है। फिर वह कहता है कि मैंने सुना है तुम कैपिटल जाने वाली हो। इस पर लिंगिन उसे बताती है कि हाँ मैं कैपिटल जाकर टैन तियान जुआन से मिलकर उसे थैंक्स बोलना चाहती हूँ। इस पर टैन तियान कहता है कि बस इतना ही, क्या तुम उससे ये नहीं बताओगे कि तुम उससे शादी करना चाहती हो। इस पर लिंगिन कहती है कि नहीं, मैं एक रियलिस्टिक पर्सन हूँ, मैं उसे ये नहीं कह सकती। तभी अचानक बाहर लोगों का शोर सुनाई देता है। टैन तियान और लिंगिन दोनों बाहर आकर देखते हैं तो लिंगिन के घर पर आग लगी हुई होती है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।